हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण से आपको अपने शेयर को वैल्यूएट करने की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आने वाला है। और उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। बीकॉम के स्टूडेंट्स में सबसे कह रहा हूँ, सिंपल सा प्रोसेस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये बेल आइकन को दबाना है। इसके बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इग्नो बीकॉम में आना है। एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है, जो कि रिकरिंग पेमेंट है। यहाँ पे आकर के आप हमारे चैनल का मेंबर जब आप बन जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको दिखेगा, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के मेंबर्स के लिए बनाया गया है। तो आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। 24/7 आपको सर्विसेज मिलेंगी, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। रिगार्डिंग एनीथिंग, जो भी आपके मन में क्वेरी होगी, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको 40% डिस्काउंट पे हमारे पास से नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करते ज्यादा, जो की है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो इन मोस्ट केसेस, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा कलर कर लेता हूँ, ये स्काई कलर आई थिंक वुड बी ग्रेट। In most cases, the shares are quoted on the stock exchange. For ordinary transactions in shares or debentures or government securities, the price prevailing on the stock exchange may be taken as the proper value. है ना? तो यहाँ पे बात बोली जा रही है ट्रेड के बारे में, यहाँ पे बात बोली जा रही है शेयर्स के ट्रेड के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और भी दो तीन और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट मेनली हमारे यहाँ पे दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि शेयर्स का जो प्राइस है वो वही हमें दिखाया जाता है, जो हमें स्टॉक एक्सचेंज में दिखता है वही उसका एक्चुअली प्राइस होता है। और स्टॉक एक्सचेंज में एक तरीके से डिवेंचर्स की ट्रेडिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग, ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन जो कि शेयर्स के होते हैं, उन सबकी ट्रेडिंग जो होती है वो एक तरीके से होती है ऑन एज द प्रॉपर वैल्यू। जो उसकी वैल्यूएशन होगी ना, वो आप निकाल पाओगे विद देयर शेयर्स वैल्यू। ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज प्राइस डज नॉट होल्ड गुड फॉर एनी लार्ज लॉट्स, है ना, फॉर वेरी लार्ज लॉट्स। यहाँ पे जो एक तरीके से सामान यहाँ पे नहीं रखा जाता, यहाँ पे बस प्राइसें ही जो है रखी जा रही है। ऑल द शेयर्स आर नॉट कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब सारे के सारे शेयर्स भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में आपको अवेलेबल मिलेंगे, है ना। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन एनी केस विल नॉट बी कोटेड। तो जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, अगर उनके पास कुछ वैसा रीजन होगा, तो हो सकता है कि उनके जो शेयर्स हैं वो भी आपको वहां पे ना देखने को मिले। शेयर्स ऑफ सच कंपनीज हैव अ चेंज हैंड्स एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सच शेयर्स विल हैव टू बी एसर्टेन। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होती हैं जिनका एक तरीके से डिफरेंट चेंज हैंड्स होता है, जो कि ग्रे मार्केट में काम करती हैं। आपने नाम सुना होगा कंपनी का, जैसे कि जैसे पेटीएम ही ले लो। पेटीएम में आपने सुना होगा कि वॉरेन बफेट ने इसमें जो है बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला था। इंडिया में लाइक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के पहले इसमें इन्वेस्टमेंट आ चुका है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बड़े बड़े जो रिटेलर्स नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। रिटेलर्स का किस्सा बाद में आता है। हम जैसे रिटेलर्स जो है वो बाद में शेयर्स खरीद करके इन्वेस्ट करते हैं, बट उनका ग्रे मार्केट में ऑलरेडी जो है इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है। जैसे शार्क्स, आपने शार्क टैंक में देखा होगा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, तो उस तरीके से चीजें जो है ना होती हैं। तब जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप तो जैसे शेयर मार्केट में तो आपको प्राइस दिख रहा है ना कि इसका शेयर का प्राइस ये है, तो आप उस भाव पे खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। लेकिन जब आपको प्राइस पता ही नहीं है, शेयर मार्केट में कोई लिस्ट ही नहीं है, तो आपको तो पता नहीं है उसका प्राइस क्या है। तो उस केस में आपको जो है ना वैल्यूएशन निकालना होता है शेयर्स का, राइट। तो इसीलिए जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब किन किन केसेस में या बोलूं किस किन सिचुएशंस में जो है एक तरीके से वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने की आवश्यकता है, यह हमारा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फॉर अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सो वेयर कंपनीज अमलगमेट और आर सिमिलरली रिकंस्ट्रक्टेड, इट मे बी नेसेसरी टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बीइंग अब्सॉर्ब्ड और टेकन ओवर। तो ऐसे शेयर होल्डर्स, ऐसे मेंबर्स, शेयर होल्डर्स तो नहीं, ऐसे मेंबर्स जो कि कंपनी के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम जो है कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक हो सकते हैं। तो सपोज 50 मेंबर इस कंपनी में है, तो सबके पास कुछ ना कुछ शेयर्स है, सबके पास कुछ ना कुछ उनके पास शेयर्स है। तो वो शेयर्स की जो वैल्यू होगी ना,
वो एक तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कब, जब आपको एमलगमेशन करना है, जब आपको किसी और कंपनी को अपने में मिलाना है, टेक ओवर जब आपको करना है, एमलगमेशन करना है या रिकंस्ट्रक्शन करना है, आप अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, ठीक है, कुछ नए मेंबर्स को जोड़ रहे हो, कुछ पुराने मेंबर्स जा रहे हैं, यू नो, इन दैट केस यू विल हैव टू, यू नो, योर यू यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स यू आर होल्डिंग, जो भी आपके पास, यू नो, आपने होल्ड करके रखा हुआ, जो आपके पास टेकन ओवर है या अब्सॉर्ब्ड है, उसकी वैल्यूएशन आपको जो निकालनी पड़ती है, बट व्हेन, एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सेकेंड पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो व्हेन, जब बिजनेस बंद होता है, जब कंपनी बंद होती है, जब पार्टनरशिप बंद होता है, तो उस केस में, डिसोल्यूशन के केस में, अब डिसोल्यूशन के रीजन हो सकते हैं पार्टनर्स की डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, हालांकि कंपनीज के केस में डिसोल्यूशन में बंद नहीं होता, पता नहीं है यहाँ पे क्यों मेंशन किया हुआ है। डिसोल्यूशन मेनली यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में होता है ऐसा, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ तो मैं बता देता हूँ आपको कि डिसोल्यूशन किसी की डेथ हो गई, कोई अनसाउंड माइंड का है, कोई बिजनेस चला नहीं पा रहा, तो उस केस में जो है ना, मेंबर साथ में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई चलो कंपनी को बंद कर देते हैं, इसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब भी आप डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सबका शेयर आपको देना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा इतना हिस्सा है, तुम्हारा उतना हिस्सा है। तो उसके पहले आपको जो है ना, शेयर्स की वैल्यू अपनी निकालनी होगी कि किसके पास कितना परसेंट शेयर है और उसकी वैल्यू जो है प्रेजेंट मार्केट में अभी कितनी है ना। सो वेयर द शेयर्स आर हेल्ड जॉइंटली बाय द पार्टनर्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स टेक्स प्लेस, it becomes necessary to value the shares for proper distribution of the partnership property among the partners, है ना? वही बात यहाँ पे जो मैंने बताई थी, वही बात बोली गई है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आप डिसोल्यूशन करते हो पार्टनरशिप में, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने शेयर्स को, यू नो, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द पार्टनर्स, ताकि किसी को किसी तरह की कोई इश्यू ना हो, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है, इस टॉपिक, इस पॉइंट पे ये जो है, ये जो काम है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वी एक्चुअली वैल्यू आवर शेयर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर, जब आपको ट्रांसफर करना है अपने शेयर्स को, किसी को भेजना है, तो आप फ्री में तो भेजोगे नहीं ना। सपोज वो आपसे 10 लाख रुपए पा रहा है, 10 लाख रुपए उससे वो आप उसके उसने वो करके रखा हुआ है, तो उस केस में आपको लाइक एक तरीके से पेमेंट करना है उनको ना, आपने वो क्या हुआ, आपने आपको आपने पेमेंट करना है, तो पेमेंट आपने बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, पैसे तो तुझे मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं उतने पैसे के शेयर्स तुझे दे देता हूँ। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर जब भी होगा ना, तो शेयर की वैल्यू निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो वेयर वेयर अ पोर्शन ऑफ द शेयर्स इज टू बी गिवन बाय अ मेंबर ऑफ द प्रोप्राइटरी कंपनी टू अनदर मेंबर, एज द मेंबर कैन नॉट सेल इट इन द ओपन मार्केट, इट बिकम्स नेसेसरी टू सर्टिफाई द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स बाय द ऑडिटर और एंड अकाउंटेंट, है ना? तो एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर को अपने शेयर्स दे रहा है, क्योंकि वो जो है अपने शेयर्स को डायरेक्ट मार्केट में जाकर के सेल नहीं कर सकता, जैसे शेयर मार्केट में सेल होता है ना, तो उस केस में उसको क्या करना होगा, उसको अपने मेंबर को देना होगा, मेंबर को बेचना होगा, तो उस केस में उसको जो है यहाँ पे, यू नो, वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट है। जो बंदा सामने से ले रहा है वो भी नहीं लेना चाहेगा, जो बेचना चाह रहा है वो भी ठीक तरीके से बेच नहीं पाएगा, क्या पता उसको पता ही ना हो कि उसके शेयर की वैल्यू ज्यादा है, वो बेच ले तब उसको पता चले। तो इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना जरूरी है, जो कि एक ऑडिटर या फिर एक अकाउंटेंट कर सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन, जब आप लोन ले रहे हो तब आपको पता रखना इंपॉर्टेंट है कि आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी है, आपकी कंपनी की कितनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लोन मिलता है ना। सो व्हेन द लोन इज टेकन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द शेयर्स, इट बिकम्स नेसेसरी टू वैल्यू द शेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द लोन इज टू बी टेकन। तो सपोज आपने लोन लेने का मन बनाया, जब आप लोन लेने के लिए गए तो बैंक वालों ने कहा कि आप हमें मॉर्गेज में क्या दोगे, तो आपने कहा कि भाई मेरे पास तो मॉर्गेज में सिर्फ ये शेयर्स पड़े हुए मेरे नाम पे, मैं इस शेयर्स को गिरवी रखना हूँ, इसके बदले में इतने पैसे जो है आपसे लोन के आधार पे लूंगा। तो इन दैट केस दे विल इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ योर शेयर दैट यू आर होल्डिंग, ठीक है, आपने जितना शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ उसकी वैल्यू वो लोग पता करेंगे, उसके बाद ही फिर जो है उसके बेसिस पे आपको लोन देंगे, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के केस में आपको जो है अपनी शेयर्स को evaluate कर रहा होता है। So when the preference share or debentures are to be converted into equity shares, it becomes necessary to value the equity shares for the purpose of calculation of the number of equity shares to be issued in place of preference shares or debentures, है ना? तो जब आपको convert करना है अपने debentures share debentures को या अपने preference shares को, जब आपने convert करना होता है equity shareholders में, equity share में, तो आपको जो है आपको calculation करना important है, बहुत ही ज़्यादा important है, जब भी आप convert करोगे अपने shares को, ordinary shares को equity shares में, ऑर्डिनरी नहीं मतलब किसी भी शेयर को जब आप इक्विटी शेयर में करते हो तो उसकी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक तरीके से ओनर बनने वाले होते हो कंपनी के, जितना भी परसेंट आपके पास होगा आप उतने परसेंट के कंपनी के मालिक रहोगे, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू, आई मीन एसरटेन द वैल्यू ऑफ द शेयर, राइट?
शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर नॉट कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिखाए जाते हैं। इफ शेयर्स ऑफ सच कंपनीज आर टू बी सोल्ड द वैल्यू ऑफ सच शेयर हैज टू बी एसर्टेन। तो जिनकी वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में दिखती नहीं है उनकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो जब आप उसको उस कंपनी के शेयर्स को आप बेचना चाहोगे, उस कंपनी के हिस्सेदारी जब आप बेचना चाहोगे, तो आपको उस कंपनी का जो है वैल्यूएशन शेयर्स का निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के तहत, ठीक है ना। सेवेंथ नंबर पॉइंट है एट द टाइम ऑफ अप्रेजल ऑफ शेयर्स। तो जब आपको शेयर्स का अप्रेजल हो रहा है, जब आप बोनस इशू कर रहे हो, जब आप यू नो शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो उस केस में आपको जो है शेयर्स का यू नो एक बार वो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो व्हेन द शेयर्स आर द कंपनी आर नॉट कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर होल्डर्स रिक्वायर द अप्रेजल ऑफ देयर शेयर्स। तो ऐसी कोई कंपनी है सपोज जिसका शेयर जो है मार्केट में एक तरह से लिस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी उस शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ना, जब कंपनी को ग्रोथ होगा तो उसका प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो जो भी इन्वेस्टर होगा जिसने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं उसको पता है कि भाई शेयर्स की जो प्राइस है वो बढ़ने चाहिए, बढ़ा भी है तो उसकी क्या वैल्यू है, जितने के शेयर उसने रखे हैं अपने पास एट प्रेजेंट जब अप्रेजल हुआ तो उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू थी शेयर्स की, वो तो जानना चाहेगा। तो इन दैट केस वी विल हैव टू टेल देम दैट दिस इज देयर वैल्यू, दिस इज दैट शेयर्स वैल्यू दैट ही इज होल्डिंग और शी इज होल्डिंग। सो एट द टाइम ऑफ अप्रेजल ऑफ शेयर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू द कंपनी शेयर्स, है ना, उसकी वैल्यूएशन को एसर्टेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टू पॉइंट्स व्हिच इज पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9। फर्स्ट वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8 व्हिच इज फॉर डिक्लेयरिंग द नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए भी आपको जो अपने शेयर्स को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज मेड बाय सच कंपनीज टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ हिज एसेट फॉर डिक्लेयरिंग द नेट एसेट वैल्यू। तो आपके पास कितने का एसेट है यू नो उसको आपको पता करने के लिए आपको अपने शेयर्स जितने भी सारे हैं उनका उनका वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज मेड बाय सच कंपनीज, ये उन सारी कंपनीज के द्वारा किया जाता है जो कि फाइंड आउट करना चाहती हैं तो द करेक्ट वैल्यू ऑफ हिज एसेट, जो उनका एसेट है उसकी करेक्ट वैल्यू कितनी है, ताकि वो नेट एसेट वैल्यू अपना डिक्लेयर कर सके, ठीक ना। नौवां नंबर पॉइंट है और आखिरी नंबर पॉइंट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गिफ्ट एंड वेल्थ टैक्स। सो व्हेन द शेयर्स आर रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, जब आप शेयर्स को एज ए गिफ्ट रिसीव करते हो, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेसिंग गिफ्ट ड्यूटी एंड आल्सो फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द वेल्थ टैक्स बाय द टैक्सेशन अथॉरिटीज। तो जब आप एज ए टैक्स जब आप यू नो शेयर्स को रिसीव कर रहे हो तो उस चीज के ऊपर ना आपको गिफ्ट की ड्यूटी देने पे करनी पड़ती है। जब आप गिफ्ट रिसीव करते हो शेयर्स के रूप में तो आपको गिफ्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, साथ ही साथ आपको जो है वेल्थ टैक्स समटाइम जो है पे करना पड़ता है। तो इनकी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है गिफ्ट ड्यूटी की या फिर वेल्थ टैक्स की, तो आपको उसके लिए अपने शेयर्स की वैल्यू निकालनी पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दैट केस जो मैं अभी केस बता रहा हूँ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गुड गिफ्ट एंड वेल्थ टैक्स, इन दैट केस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट यू आर होल्डिंग, ठीक है। सो ये 9 पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा, व्हिच इज नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।